जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें ना वो जानते हैं और ना ही कभी उनसे मिले हैं, और कई बार हम इन लोगों से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा भी बन जाते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग झूठी आईडी यानी फेक अकाउंट भी बनाते हैं। ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश के बरेली से आया है, जहाँ एक 52 वर्षीय रिक्शा चालक अपने फेसबुक अकाउंट पर आईपीएस की फेक फोटो लगाकर 100 नहीं 200 नहीं बल्कि पूरी 3500 लड़कियों को अपने प्यार के चंगुल में फंसा चुका है। आजकल सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट बनाने का ट्रेंड सा चला हुआ है, जिससे लोग अपने दोस्तों से मजाक कर सके, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसा एक मामला बरेली के उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर से आया है, जहां एक रिक्शा चालक ने अपने फेक अकाउंट से 3500 लड़कियों को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया है। इस रिक्शा चालक का नाम जावेद है और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक आईपीएस की फोटो लगाई थी जिसका नाम नूरुल हसन है। पुलिस ने जब इस मामले की पूछताछ की तब इस रिक्शा चालक ने बताया कि पहले इसके फेसबुक अकाउंट पर सिर्फ 500 फ्रेंड्स थे, उसके बाद इसने अपने फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए आईपीएस नूरुल की फोटो अपनी प्रोफाइल पर लगा दी। इसका ये प्लान कामयाब भी हुआ और आईपीएस की प्रोफाइल लगाने के कुछ ही दिनों के अंदर जावेद यानी रिक्शा चालक के 5000 फ्रेंड्स हो गए, जिससे फ्रेंड्स लिमिट भी फुल हो गई। जावेद ने बताया कि उसकी फ्रेंड्स लिस्ट के 5000 फ्रेंड्स में से 3500 लड़कियां थी। बरेली के इज्जत नगर थाने में पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जावेद के फेसबुक पर फेक आईपीएस प्रोफाइल लगाने के बाद मुंबई से लेकर बरेली तक बहुत सी लड़कियों ने उसे शादी का प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन उसने उनमें से किसी का जवाब भी नहीं भेजा। 52 वर्षीय जावेद 6 महीने तक लड़कियों से बात करता रहा और लड़कियों से अश्लील फोटोज भी मांगी। उसने पुलिस को कई लड़कियों की चैट्स और न्यूड तस्वीरें भी दिखाई। वर्तमान में वह 16 लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहा था। सारा मामला सुनने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को जावेद को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में भेज दिया जाएगा। जावेद ने बताया कि बरेली की एक युवती उसको सबसे ज्यादा कॉल करती थी, लेकिन जावेद ने ना ही कभी उसका कॉल उठाया और ना ही उसका वीडियो कॉल की। आपको बता दे कि जावेद की शादी हो चुकी है, उसका एक जवान बेटा भी है, और जावेद की बीवी ने चैटिंग करने के शक में जावेद के 5 मोबाइल भी तोड़े थे, लेकिन जावेद फिर भी नहीं माना और चैटिंग जारी रखी। पुलिस द्वारा हिरासत में लाए जाने के बाद उसकी चैटिंग बंद हुई है और उस पुलिस ने साथ ही में उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।